आलू में कब आएगी तेजी? कोल्ड स्टोरों में आलू जो रखा हुआ है वो कम महंगा होगा दोस्तों। जिन लोगों का आलू कोल्ड स्टोरों में रखा हुआ है उनके दिमाग में और उनके दिलो दिमाग में हर समय यही चीज़ चल रही है कि कब आलू महंगा होगा और हम कब आलू अच्छे रेट में बेच पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को समस्त मंडियों के, जो भारत की जो बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं साउथ की, और उन सब मंडियों के भाव बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि साउथ की मंडियाँ अभी तक बिल्कुल स्थिर हैं, ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा है और आलू अच्छे रेट बिक रहा है वहाँ पर वही अच्छे आलू के दाम है। जो मैंने आप सभी लोगों को कल बताया था कि आलू की क्वालिटी बहुत बड़ा डिपेंड करती है, कोई यूँ सोचे कि मेरा आलू ये 800 रुपये बिक जाएगा या 700 रुपये बिक जाएगा, तो दोस्तों 700 रुपये भी अभी भी सौदा हो रही है, 750 भी सौदा हो रही है, पर वो आलू बहुत बढ़िया चाहिए, एक्स्ट्रा सुपर चाहिए। कोल्ड स्टोरों में मशीनें धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं तो आलू लूज़ हो रहा है, आलू ख़राब हो रहा है, इस वजह से आलू के दाम जो एक्स्ट्रा सुपर आलू के दाम हैं वो ज़्यादा हैं और बाकी नॉर्मल आलू ज़्यादा रह गया है कोल्ड स्टोरों में। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है वैभव शर्मा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्रीबडी अदैत, जिसमें कि मैं आलू के बारे में आपको डेली अपडेट करता रहता हूँ। और दोस्तों आज की तारीख बता दूँ, आज 26 नवंबर 2021 है। और चलिए शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें। और दोस्तों आज बताएंगे हम 2022 के बारे में। बंगाल में आलू लगभग 20 दिन लेट हो गया दोस्तों, तो यहाँ जैसे यूपी में अपने यहाँ बारिश हो गई थी तो आलू करीब 20-22 दिन लेट हो गया, वैसे ही बंगाल में अभी आलू लेट हो गया है दोस्तों। क्योंकि अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शर्मा जी, जिन लोगों ने आलू बेच लिया है वो तो ये चाह रहे हैं कि शर्मा जी आगे के बारे में कुछ बताइए, ठीक है ना। और जिन लोगों ने दोस्तों आलू जिनका कोल्ड स्टोर में रखा हुआ है उनको सिर्फ रेट से मतलब है, तो हर आदमी का अपना अपना फंडा है। और पर मेरा काम सब लोगों को अपडेट करने का है, चाहे वो पंजाब के किसान हों, चाहे बंगाल के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे गुजरात के हों, कहीं के भी, क्योंकि दोस्तों सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों रेट से, तो पूना की बात करेंगे सबसे पहले। तो पूना की अगर दोस्तों बात करते हैं तो पूना में जो एक्स्ट्रा सुपर आलू है आज वो 1 रुपये किलो की बढ़त से बिका है, 19 रुपये से लेकर 20 रुपये किलो तक बिका है। और नॉर्मल हल्की क्वालिटी का दोस्तों आलू 15 से लेकर 17 रुपये किलो तक बिके हैं पूना की मंडी में। बात करते हैं दोस्तों इंदौर का आलू जो कि पूना की मंडी में आ रहा है वो लगभग 10 से लेकर 12 रुपये किलो तक बिक रहा है। बात करते हैं दोस्तों ज्योति की जो इंदौर मंडी में आ रहा है वो 15 से लेकर 16 रुपये किलो तक बिक रहा है दोस्तों। अब दोस्तों डिमांड बहुत अच्छी है पूना की मंडी में, डिमांड बढ़िया है और आलू अच्छे रेट बिक रहे हैं, आलू बढ़िया क्वालिटी के पहुँचे होंगे इसलिए रेट भी अच्छे रेट बिके हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पर मदुरई की। तो मदुरई की अगर बात करें तो मदुरई में एक्स्ट्रा सुपर आलू बहुत बढ़िया आलू 24 से लेकर 25 रुपये किलो तक बिक रहे हैं और नॉर्मल हल्की क्वालिटी का आलू 21 से लेकर 23 रुपये किलो तक बिक रहा है दोस्तों मदुरई की मंडी में। और मदुरई की मंडी में तो आपको पता है बीच में 30 रुपये किलो तक बिक गई थी मदुरई की मंडी, मदुरई की मंडी में रेट बढ़िया चल रहे हैं इस समय। अब बात करते हैं दोस्तों गुवाहाटी की। तो गुवाहाटी में आज रैक पहुँच गई है, जो आगरा से जाने वाली थी वो रैक पहुँच गई है और गुवाहाटी में जो रैक की रेट खुले हैं वो 16 से लेकर 17 रुपये किलो तक खुले हैं। जो रैक के अलावा जो आलू जा रहा है जो ट्रकों से जा रहा है वो लगभग 17.5 रुपये किलो तक आज बिका है दोस्तों। बाकी दोस्तों रैक पहुंच काफ़ी रैक लोड हो रही है, फरुखाबाद से भी गई थी, आगरा से भी बराबर जा रही हैं रैकें, ठीक है। तो रैक मतलब रैक से ये नहीं है दोस्तों कि कुछ आलू ज़्यादा पहुँच जाता है, पर यह कि ट्रांसपोर्टेशन में लोगों को फ़ायदा हो जाता है, जो आलू ट्रक से जाता है वो रैक से चला जाता है, ऐसा तो है नहीं कि कहीं बाहर जा रहा हो, जा तो वहीं रहा है मंडी में, ठीक है। इससे आप जिन्हें समझे कि रैक लोड हो रही है तो पता नहीं क्या होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं बिहार की छपरा की। तो बिहार की मंडी के लिए कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि शर्मा जी बिहार की रेट बताया करो। तो बिहार का आज बात करें तो गुल्ला जो कि एक्स्ट्रा सुपर जो गुल्ला है वो 8 से लेकर 9 रुपये किलो तक बिक रहा है दोस्तों। गुल्ला की हालत तो ज़्यादा ख़राब हो गई है और नॉर्मल जो हल्की क्वालिटी का गुल्ला है वो 7 से लेकर 8 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। मोटा आलू सफ़ेद 9 से लेकर 10 रुपये किलो तक बिक रहा है और नॉर्मल हल्की क्वालिटी का थोड़ा सा 7 से लेकर 9 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। और दोस्तों C40 जो कि एक्स्ट्रा सुपर बढ़िया हो तो 10 से लेकर 11 रुपये किलो तक बिक रहे हैं और नॉर्मल C40 8 से लेकर 9 रुपये किलो तक बिक रहा है। और बात करते हैं दोस्तों हॉलैंड की। तो हॉलैंड तो अभी बाजी मारे हुए, हॉलैंड 13 से लेकर 14 रुपये किलो तक एक्स्ट्रा सुपर VVIP बिक रहे हैं, बाकी नॉर्मल हॉलैंड 11 से लेकर 12 रुपये किलो तक बिक रहे हैं दोस्तों। हॉलैंड इस बार रेट सही रहे हॉलैंड के और रहने भी चाहिए दोस्तों। कुछ मतलब कुछ ऐसी वैरायटी थी जिनके जैसे लाल आलू के रेट हमेशा बढ़िया रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दिल्ली आज़ादपुर की बात करेंगे लास्ट में, उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा मुंबई के बारे में बता दूं। तो मुंबई में दोस्तों रेट दिन पे दिन डाउन हो रहे हैं। मुंबई आज 13 से लेकर 14 रुपये किलो तक बिका है बढ़िया आलू। बढ़िया क्या होता है दोस्तों, वही है नॉर्मल, एक्स्ट्रा सुपर तो जा ही नहीं रहा बढ़िया आलू। अब वहाँ क्या है कि लोकल फसल तालेगांव की चल रही है तो उस आलू को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ना कि कोल्ड स्टोर के आलू को, क्योंकि कोल्ड स्टोर का आलू दोस्तों क्वालिटी ख़राब हो जाती है, एक लंबा समय हो चुका है कोल्ड में रखे रखे और फिर किसी
कोल्ड स्टोर में अगर 50,000 बोरी का चैम्बर है, अगर उसमें 10,000 कट्टे भी दोस्तों अगर रह जाएंगे तो 10,000 कट्टे वो इतनी सूख जाती है कि आलू बहुत जल्दी लूज होता है, क्योंकि वो उसमें दस एक चीज़ बताइए कहाँ 10,000 कट्टे जो ठंडा आलू होता है जब टेम्परेचर कोल्ड स्टोर में आता है, तो अगर किसी चैम्बर में 40,000 कट्टे रखे हुए तो आलू जब टेम्परेचर लिया जाता है तो ठंडा होता है, तो उसमें आलू भी ठंडा कर दिया जाता है, तो आलू की ठंडक से भी अंदर कमरे में ठंडक बनी रहती है, क्योंकि कोई भी चीज़ है जब ठंडी जगह, फ्रिज में क्या होता है, फ्रिज में फ्रीजर पूरी तरह ठंडा हो जाता है फिर नीचे तक पूरा ठंडा बना रहता है, ठीक है ना, और फ्रीजर में बर्फ़ जमी रहती है उसको वो धीरे धीरे ठंडा करता रहता है। ऐसे क्या है कि कोल्ड स्टोर में भी आलू अंदर ठंडा रहता है तो ठंडक से ठंडक पूरे में बनी रहती है। अब क्या है कि आलू उसमें बचा नहीं, खाली चैम्बर है तो उसमें टेम्परेचर इतना रुकता नहीं है, उसकी वजह से आलू लूज होता है और शिकायत आने लगती है आलू में दोस्तों। इसलिए जो आलू जो लूज हो के जो मंडी में जा रहे हैं उन लोगों उन आलूओं की कोई रेट नहीं है। बात करते हैं दोस्तों बेंगलोर की, तो बेंगलोर में आज 5,000 कट्टे लगभग आगरा के थे, आगरा मतलब आगरा मंडल के थे, और लगभग 5,000 कट्टे लोकल आया है। और एक्स्ट्रा सुपर जो कि आलू था बेंगलोर में वो 1100 से लेके 1150 रुपये बिका है 50 किलो की तौल दोस्तों, और नॉर्मल 800 से लेके 900 रुपये तक बिक रहे हैं, जो इसकी भी ये भी 50 किलो की तौल है, और लोकल आलू वही बिक रहा है दोस्तों। आपको क्या बताऊं मैं, लोकल आलू लगभग वही 1300 से लेके 1400 रुपये तक 50 किलो की तौल। बात करते हैं दोस्तों बनारस की, तो बनारस की बात करें तो 3793 मोटा वहाँ पर 11 से लेके 12 रुपये किलो तक बिक रहे हैं दोस्तों, और नॉर्मल 9 से लेके 10 रुपये किलो तक बिक रहा है, और गुल्ला 8 से लेके 9 रुपये किलो तक बिक रहा है, और हल्की क्वालिटी का गुल्ला 7 से लेके 8 रुपये किलो तक बिक रहा है बनारस की मंडी में। बात करते हैं दोस्तों जोधपुर की, तो जोधपुर में एक्स्ट्रा सुपर आलू वही 12 से लेके 13 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। डिमांड हर जगह हल्की है दोस्तों, कहीं भी भाव पता करो सब लोग यही कहते हैं कि कोई डिमांड शर्माजी नहीं है, हल्की डिमांड चल रही है, और नॉर्मल 9 से लेके 11 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। बात करते हैं तो एक तो दोस्तों लंबा समय होता जा रहा है, घबराहट सबको होती जाती है जब आलू रुकता है, तो किसानों को सबसे ज़्यादा घबराहट है, पर कुछ लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पंजाब का आलू नया वाला ख़त्म हो, तो उसके बाद कोई आलू नया आने नहीं वाला, तो शोर हो सकता है कि आलू के भाव को सुधरें। दोस्तों हम भी इसी उम्मीद में लगे बैठे हैं, ठीक है, जिन लोगों ने आलू बेच लिया दोस्तों वो खुशी मना रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमने खूब अच्छा भाव ले लिया, जो नहीं बेच पाए दोस्तों देखो लालच ज़्यादा बहुत बुरी बला है। जिन लोगों ने 950 लगे थे उन्हें 1000 भी लगे थे, उन लोगों ने आलू नहीं बेचे थे उस समय पर, तो वो लालच भी दोस्तों बहुत बुरी बला है। बात करते हैं दोस्तों लास्ट में दिल्ली आज़ादपुर की, तो दिल्ली आज़ादपुर में लगभग 100 से 150 गाड़ी है, और उसमें 42 गाड़ी से 45 गाड़ी नए आलू की है दोस्तों, और कल का बैलेंस लगभग 60-70 गाड़ी बैलेंस था। आप बताओ यहाँ की बात करें तो होशियारपुर का, जो पंजाब वाले किसान भाइयों के लिए, होशियारपुर का जो आलू नया एक्स्ट्रा सुपर है वो 700 से लेके 750 रुपये तक बिक रहा है दिल्ली आज़ादपुर की मंडी में दोस्तों। ये स्पेशली पंजाब वाले किसानों के लिए है, जो कि मेरा चैनल देखते हैं उनको भी अपडेट रहना चाहिए, और अपने यहाँ के भी अपडेट रहना चाहिए कि कितनी गाड़ी आ रही है दिल्ली आज़ादपुर की मंडी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों नॉर्मल की, तो देखो नॉर्मल आलू दोस्तों 650 से 700 रुपये तक बिक रहा है 50 किलो की तौल दिल्ली आज़ादपुर की मंडी में। और ऊना का आलू, ऊना के आलू की अगर बात करें दोस्तों, तो ऊना का आलू एक्स्ट्रा सुपर 750 से लेके 800 रुपये तक बिक रहे हैं, और हल्की क्वालिटी का दोस्तों 700 से लेके 750 रुपये तक बिक रहे हैं 50 किलो की तौल दिल्ली आज़ादपुर की मंडी में। अब दोस्तों बात करते हैं पुराने आलू की, जो कि कोल्ड स्टोर का आलू है पुराना वाला, उसकी 3797 की बात करें तो अगर एक्स्ट्रा सुपर आलू हो तो 450 से लेके दोस्तों 500 रुपये तक बिक जाएगा, बहुत अच्छा आलू, और नॉर्मल दोस्तों 350 से 400 रुपये तक चल रहे हैं दोस्तों। यही सबसे स्थिति आज चिंताजनक है, आलू उतर नहीं पा रहा है, आलू उतना पहुंच रहा है मंडियों में। बात करते हैं दोस्तों 3797 के गुल्ला की, तो वो 200 से लेके 250 रुपये तक बिक रहा है, और चंदौसी का दोस्तों चिप्सोना, जो टॉप क्लास का बढ़िया चिप्सोना है, वो लगभग 700 से लेके 750 रुपये तक बिक रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों अलीगढ़ और वहाँ का चिप्सोना जो आलू जाता है उसकी, तो वो लगभग 550 से लेके 600 रुपये तक बिक रहा है, जो थोड़ा क्वालिटी में डिफरेंस रहता है तो हल्की रहता है। बाकी दोस्तों गुल्ले की बात करें, गुल्ला का चिप्सोना, चिप्सोना का जो गुल्ला है वो 350 से लेके 400 रुपये तक बिक रहे हैं, और किर्री की बात करें तो चिप्सोना की वो 250 से लेके 300 रुपये तक बिक रही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों 2022 के बारे में, तो दोस्तों बंगाल में क्या हाल है, बंगाल का थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूँ। बंगाल में दोस्तों बुवाई लेट हो गई बारिश की वजह से, अगर बारिश की वजह से बंगाल में जैसे अपने यहाँ 10-15-20 दिन लेट हो गया मामला, ऐसे ही बंगाल में लेट हो गया, तो बंगाल का जो अनुमान है वो आगे यह है कि बंगाल में आलू की जो पैदावार होगी वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जब एक चीज़ बताइए, किसी कोई अनुकूल टाइम है किसी चीज़ का, इतने से इतने समय तक, उसके बाद अगर उस समय पे वो काम नहीं हो पाए
आलू में एक एक दिन से ही दोस्तों फर्क पड़ जाता है पैदावार पे। जैसे हमारे यहाँ अभी भी निकल के आलू सीधा नहीं हो पाया है, जबकि दूसरे पानी शुरू हो जाता था, आज पहला पानी लग रहा है खुद लोगों के यहाँ। ऐसे ही बंगाल में हाल है दोस्तों, गीले खेतों में पानी भरे पड़े हैं, धान खेतों में पड़ा हुआ है। जब धान निकलेगा उसके बाद फिर कहीं जाके वहाँ बुवाई शुरुआत होगी, लगभग 20 दिन बुवाई लेट हो जाएगी। ये मैं अपडेट आपको थोड़ा सा कर दिया है मैंने बंगाल के बारे में। तो दोस्तों हो सकता है कि 2022 इस बार बढ़िया जाए, यही हमारा अनुमान है। कुछ लोग अभी ज्ञान बांटेंगे, वो ये कहेंगे अभी की बात करो, दोस्तों हम तो आगे की भी बात बिल्कुल करेंगे किसान भाइयों से, क्योंकि मनोबल नहीं टूटना चाहिए, मनोबल बना रहना चाहिए। और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि धीरे धीरे करके दोस्तों अपना आलू निकालते रहें, जो रेट मिले उस रेट में आलू को बेचें, महंगा हो तो महंगा बेचें, सस्ता हो तो सस्ता बेचें। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।